हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से जो टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ईटानगर कहाँ की राजधानी है? पहला नंबर प्रश्न दिया गया आपका, ईटानगर कहाँ की राजधानी है? राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, सबको आता होगा, ठीक है। पोंगल निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दूसरा नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन तमिलनाडु का है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत व चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा है, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सिंपल प्रश्न है। और विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सारा मरुस्थल। अगला प्रश्न दिया गया, अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार पाँचवें केवल ये ऑप्शन होगा, खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको खिलाड़ियों कोच को दिया जाता है, ये राइट। वैसे भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? छठा नंबर का बी ऑप्शन सरयू नायडू कहा जाता है, इसको थोड़ा याद कर लेना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो सातवें नंबर का बी ऑप्शन मैसूर का था। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे आपका आठवां नंबर प्रश्न है, तो आठवें का बी ऑप्शन नाइन फुटबॉल, ठीक है। कल जिनका भी एग्जाम है 25 तारीख को, बहुत लोगों का एग्जाम है, कमेंट मुझे बताया भी, और भी बताओ कितने लोगों का एग्जाम है, ठीक है, और टाइमिंग बता देना। और ये क्वेश्चन वोशन आपके रिप्लाई, आप क्वेश्चन वोशन हमसे पूछ लेना आपके, ठीक है। जितने सब पेपर जितने भी 25 तारीख को पेपर दे के आए, वो लोग कमेंट में आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पेपर के शिफ्ट के सोल्यूशन करा दूँगा कल, ठीक है। तो पेपर के शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोग खुद बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा फिर वीडियो बना के, ठीक है। तो पूछ लेना प्रश्न, चलो जिनका एग्जाम कल अच्छी तरह दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया गया, नवा नंबर है, आठवां तो हो गया था, ठीक है, आठवें का बी पार्ट था फुटबॉल। नवे नंबर प्रश्न दिया, भारत ने दूसरा अणु परीक्षण कहाँ किया? नवे नंबर का ए पार्ट पोखरण में किया था। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नवे का ए, सॉरी दसवां नंबर प्रश्न, तो वही देखो एक मिनट रुक रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है, तो वही ए ओ हमने की थी, ठीक है। चलो वही 28 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी हुई थी, मुंबई में हुई थी, ए ओ हम ने किया था। और भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर कह दे तो सरोजिनी नायडू थी, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहते हैं, अभी अभी प्रश्न बताया। और तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। और डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था, बताया विवेकचंद बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए पार्ट, 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। आर समाज की स्थापना 1875 ईस्वी मुंबई में हुई थी, आर समाज की किसने की थी वैसे? स्वामी दयानंद कहाँ है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। तो 12 का डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रह्म समाज की किसने की थी? तो 1828 ईस्वी में की थी, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आर समाज पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी मुंबई में। अगला प्रश्न, केरल राज्य की भाषा कौन सी है? भाई 13 नंबर प्रश्न है, केरल राज्य की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे मलयालम है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलो अब बताओ क्या होगा, 14 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का क्या होगा? चलो राइट ऑप्शन है आप बी पार्ट, राष्ट्रपति। ताजमहल किसने बनाया था? 15 नंबर का सी शाहजहां ने। भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे। 16 नंबर प्रश्न है बी पार्ट, अच्छा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चलो भाई एक मिनट, थोड़ा वीडियो रोक लेना, थोड़ा लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना तो अच्छा लगता है, लाइक कर देते हैं आप लोग, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो लाइक कर देना छोटा सा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? 17 नंबर प्रश्न है सी खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत की कानून की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? 18 नंबर प्रश्न है, तो बी सर्वोच्च न्यायालय। पेंटागन कहाँ पर स्थित है? 19 का डी ऑप्शन वाशिंगटन में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चली गई? थाने गई थी वैसे, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? 21 नंबर का ए पार्ट आर्यभट्ट है। राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस भाई कब मनाया जाता है? यहाँ पे दिया गया 22 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन का डी पार्ट, 31 अक्टूबर को, ठीक है। चलो भाई प्रमुख यमोत्तर प्राइम मेरिडियम कहाँ से होकर निकलती है? 23 नंबर प्रश्न, तो ए पार्ट ग्रीनविच। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 24 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन का डी पार्ट हो जाए, कटक में, भारतीय चावल संस्थान कटक में, ठीक है। और 23 का ये था ग्रीनविच। अब दोस्तों 25 नंबर प्रश्न बचा है, दोस्तों हो सके तो एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक छोटी सी वो बात कहते हैं, जिनका कल एग्जाम है प्लीज़ अपना अपना क्वेश्चन बता देना, मैं आपको सोल्यूशन का वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है। चलो तो 25 नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला जज कौन थी? ये क्वेश्चन बार बार आ चुका, पता नहीं क्यों आता बार बार। 25 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा।
फातिमा बीबी। अब दोस्तों ये कि छोटा सा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है। और पेपर वेपर किसका कहाँ पे है, कैसा है, किस तारीख को है, कितने बजे है, तो सब बता देना ठीक है। तो आपस में डिस्कस कर लेना कौन किसका कहाँ पे है, तो सही रहता है ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। हाँ एक कल कल जिनका भी एग्जाम है वो लोग बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि डर लग रहा है। भाई देखो डरना ना बिल्कुल, देखो डरने वाली बात नहीं, पॉजिटिव माइंड रखना, आराम से पेपर को हल करना ठीक है। जितने क्वेश्चन आए आराम आराम से करना, जो क्वेश्चन आपको देखो जीके वीके जल्दी जल्दी कर लेना, जो मतलब जल्दी करने वाली चीज़ हो, मैथ और रीजनिंग बाद में करना ठीक है, और स्पीड में करना। देखो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जीके में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साइंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको आराम से सब लोग हैंडल करना ठीक है, पॉजिटिव माइंड से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ठीक है।